हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं उनके लिए एक लेसन बनाने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, जिन्होंने जस्ट माउथ ऑर्गन अभी ख़रीदा है, ठीक है, उन्हें पहले दिन क्या करना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने इस तरह का 24 होल्स का माउथ ऑर्गन ख़रीदा है तो चलेगा, अगर आपने इस तरह का टावर माउथ ऑर्गन ख़रीदा है 24 होल्स का तो चलेगा, ठीक है। तो मैं तो रिकमेंड करता हूं कि 24 होल्स का माउथ ऑर्गन आप ख़रीदें, क्योंकि 24 होल्स के माउथ ऑर्गन में सीखना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पास 24 होल्स का माउथ ऑर्गन है, पहले आप देखिए कि मोटी आवाज़ किधर निकल रही है, इधर पतली आवाज़ निकल रही है, इधर मोटी आवाज़ निकल रही है, इधर तो पतली, तो जिधर मोटी आवाज़ निकल रही है उसे हमेशा बाएं साइड रखना है और जहां पतली आवाज़ निकलती है उसे हमेशा दाएं साइड रखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको बाएं तरफ से पहला जो 8 होल्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, पहला जो 8 होल्स है उसे इस तरह से ढक लेना है, ठीक है। ये देखिए पहला जो 8 होल्स है इसे आप ढक लीजिए, एक कागज़ से इस तरह से रैप कर दीजिए और एक रबर बैंड लगा के आप पहला जो 8 होल है उसे आप ढक लीजिए, तो यहाँ से आपका 9 नंबर होल शुरू हो रहा है, ठीक है। 9 10 11 12 13 14 15 16 पे आके आप 17 से फिर इसे ढक लीजिए, 17 नंबर होल से फिर आप एक कागज़ लगा के एक रबर बैंड लगा के आप इसे ढक दीजिए। तो कहने का मतलब पहला 1 to 8 आपका होल ढक गया है और 17 से लेकर 24वां होल तक आपका ढका हुआ है, आपके सामने सिर्फ खुला है 9 से लेकर 16 होल, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप बस पहले दिन इसी होल्स पे आप कॉन्सेंट्रेट करें, 9 से लेकर 16 के बीच में आपका इसी से काम है, इसी पे आपको कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, इसलिए मैंने बाकी ढक दिया ताकि आपका ध्यान उधर न जाए। तो ये जो 9 से लेकर 16 होल खुला है फ्रेंड्स, इसे कहते हैं मध्य सप्तक या मिडिल ऑक्टेव, इसमें आपको सरगम बजाना है, यानी कि सारे गम प ध नि सा बजाना है, ये आपका पहला काम है, ठीक है। तो कैसे बजाना है देखिए, एक चार्ट में आपको दिखाता हूँ, इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए और इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए 9 नंबर होल में, ये जो 9 नंबर आपका होल खुला है यहाँ से आपको शुरू करना है, ठीक है। देखिए 9 नंबर होल में आपको फूकना है, ठीक है, तो क्या निकलेगा, सा, ठीक है। 9 नंबर होल में आप फूकेंगे तो सा निकल रहा है, ठीक है। देखिए फिर 10 में आप खींच रहे हैं तो रे निकल रहा है, ग 11 नंबर होल में आप फूक रहे हैं, सिर्फ आप ये ध्यान रखिए, देखिए 15 नंबर होल में आके मैंने स्किप कर गया, 16 में आके मैंने फिर से खींचा, ठीक है, 14 में मैंने खींचा था ध निकला था और फिर मैंने 16 पे आके खींचा था तो नी निकला था, ठीक है, आप देख लीजिए इसे, और फिर आपको 16 से फिर आपको 15 में आके आपको फूकना है, पी यहाँ पे पी लिखा हुआ है, पी मतलब फूकना और के मतलब खींचना, तो इस तरह से आपको सरगम बजाना है 9 से लेके 16 नंबर होल के बीच में, ठीक है। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, 9 में आप फूकेंगे तो सा निकलेगा, फिर 10 में आपको खींचना है रे निकलेगा, फिर 11 में आपको फूकना है ग निकलेगा, फिर 12 में आपको खींचना है म निकलेगा, फिर 13 में आपको फूकना है प निकलेगा, फिर 14 में आपको खींचना है ध निकलेगा, और फिर 15 में आपको अभी कुछ नहीं करना है 16 में आ जाना है, 16 में आपको खींचना है तो नी निकलेगा, और फिर 15 में आके आपको फूकना है तो सा निकलेगा, ठीक है। तो ये मिडिल ऑफ टेप का आपको सरगम पहले बजाना है, ठीक है। तो इसी के बीच में आपका काम है, आपको 16 से लेकर 24 के बीच कोई काम नहीं है अभी, और 1 से लेकर 8 में कोई काम नहीं है, इसलिए मैंने इसे ढक दिया है, आप भी अगर ढक दें और इंटायर फोकस आप इस पे करें, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बजा के दिखा दूँ, देखिए इस तरह से, फिर आप उल्टा बजाएं, अगर आप ये प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, पहले आप सरगम धीरे धीरे प्रैक्टिस करें एकदम स्लो में इस तरह से, शुरुआत में आपकी हो सकता है अच्छी आवाज़ नहीं आए, आपको 2 होल से आवाज़ निकलने लगे, ये सब होता है, इसमें आप टेंशन मत लीजिएगा, आप घबराइएगा मत, आप हमेशा कोशिश कीजिए कि सा अगर है तो बस 9 होल में ही आप इसे हवा को फूकने की कोशिश करें, और फिर रे जब निकालना है तो 10 नंबर होल में ही आप
खींचने की कोशिश करें, जैसे आजू बाजू होल्स में आपकी सांसें नहीं जाए, ये आप शुरुआत की कोशिश कीजिएगा। शुरुआत में नहीं होता है और एक होल से आवाज़ नहीं निकल पाती, दो तीन होल से निकलती है, लेकिन ये धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको धीरे धीरे सरगम प्रैक्टिस करना है, फिर थोड़ा सा फास्ट इस तरह से, ठीक है। तो पहले आप सिर्फ सारे गम पर ध नि सा, आप बैक मत आइए, पहले आप स्टार्टिंग से ही सरगम का आप प्रैक्टिस कीजिए, सर से लेकर सारे गम पर ध नि सा। बैक आप मत आइए, बैक तब आइए जब आपका स्टार्टिंग वाला अच्छा हो जाए तब, ठीक है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स, आपका जब सरगम स्मूथली आने लगे, क्लियर आवाज़ आने लगे, तब आप रिवर्स भी आए और पहले स्लो में रिवर्स को बजाएं और फिर आप फास्ट में बजाएं, ठीक है। ये जब आपका तैयार हो जाएगा तब आप कोई भी गाना इसमें 9 से लेकर 16 के बीच में मैं आपको कुछ गाने बता दूंगा जो कि आप निकाल सकते हैं, आपको और किसी होल्स की ज़रूरत नहीं होगी, इसी में 9 से लेकर 16 के बीच में ही आपको मैं ढेर सारे गाने बता दूंगा जो आप बजा सकते हैं। जैसे गाना मैं आपको बता दूं, वो गाना था लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, ठीक है। ये गाना आप देखिए बस 9 से लेकर 16 के बीच में ही आप बजा सकते हैं। देखिए बाकी मैंने ढक दिया है, बाकी में तो कहीं सांसें जाएंगी नहीं, हवा जाएगा नहीं, हवा निकलेगा नहीं, तो बस इसी में देखिए मैं बजाता हूँ। देखिए ठीक है, तो देखिए मैंने 9 से लेकर 16 के बीच में ये गाना बजा दिया। कहने का मतलब अगर आपको 9 से लेकर 16 के बीच में अगर आपने सरगम सीख लिया तो आप ढेर सारे गाने इंक्लूडिंग दिस सॉन्ग आप आराम से बजा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। 9 से लेकर 16 के बीच में आप सरगम प्रैक्टिस करें, पहले आप एकदम स्ट्रेट में प्रैक्टिस करें और फिर आप रिवर्स में आए, ठीक है। पहले स्लो में प्रैक्टिस करें फिर थोड़ा सा फास्ट करें। जब आप कंप्लीट आपको मास्टरी हो जाए, 9 से लेकर 16 होल के बीच में सरगम बजाने पर मास्टरी हो जाए, तब आप कोई भी गाना इसमें बजा सकते हैं, ठीक है। तो पहले दिन आप ये करें और दो तीन दिन से प्रैक्टिस करें, फिर बाकी नेक्स्ट डे क्या करना है मैं आपको बताऊँगा अगले लेसन्स में, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।